तो दोस्तों जहाँ का बेसब्री से इंतज़ार था तो हम पहुँच गए फाइनली वहाँ पर। अब मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ कितना सुंदर। और यहाँ से मैं अपने घर का एरिया पहचान ले रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो सबसे टॉप वाला पहाड़ है तो वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन लगी हुई है, तो उससे मैं पहचान जा रहा हूँ कि हमारा घर उस साइड है। उसी के जस्ट पीछे 2 किलोमीटर दूर हमारा घर है, तो जो सबसे दूर वाला पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर लगी हुई है एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन, तो वो रहा एरिज। हेलो दगड़ियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। तो चलिए गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। और सुबह सुबह मैं 8 बजे घर से निकलने के बाद सीधे आ गया हूँ सतबुंगा। तो दोस्तों आज एक बहुत सुंदर सी जगह मैं जाने वाला हूँ और वहाँ का नाम है थकुड़। तो वहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है और सतबुंगा से ऊपर को एक रास्ता है दोस्तों, पूरे 2 घंटे का रास्ता बताया जाता है। मैं आज पहली बार आ रहा हूँ वहाँ, तो चलो देखते हैं कैसा ट्रैक है। तो दोस्तों आज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ 2 लोग और आए हुए हैं। परवड़ा से गुंजन भी आई हुई है, मौसी की लड़की, तो वो भी है और उसके साथ उसकी दोस्त भी आई हुई है। तो दोस्तों वो सुंदर सी जगह हमने सिर्फ फोटोज़ और वीडियोस में ही देखी थी, तो आज चल के भी देखते हैं कैसी जगह है। और ये 2 लोग मेरे साथ हैं। अरे एक मिनट, इसको बंद करना आवाज़, मेरे वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये 2 लोग मेरे साथ आए हुए हैं, ये रही गुंजन मौसी की लड़की और उसी की क्लासमेट है इसकी दोस्त, तो ये दोनों भी आए थे। तो 3 लोग निकल रहे हैं, हम सीधे पैदल ट्रैक पर लग गए हैं। अब चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें, 2 से 3 घंटे लगेंगे ऐसा बताया जाता है। चलो रे फटाफट। अच्छा रे, तो दोस्तों पूरा पोपट हो गया, आज रास्ता ही भूल गए क्योंकि पहली बार आ रहे हैं, इसलिए रास्ते का कुछ भी आता पता नहीं है। तो इसलिए हमें परपड़ा में पहाड़न जी रहती हैं पूजा, तो उनको फ़ोन लगाते हैं क्योंकि वो लोग कई बार यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसलिए उनको ये रास्ते की नॉलेज है, तो उनको फ़ोन करते हैं और उनसे थोड़ी मदद लेते हैं। ऊपर वाले घर के पास पहुँच गए, छोटा सा घर है। टैंकी के वहाँ पे तो पहुँच गए होंगे, अभी हम टैंकी के पास भी नहीं पहुँचे। यहाँ पे एक छोटा सा घर है, घर के पास पहुँच गए, उससे ऊपर को चले। दो रास्ते वहाँ पे भी, एक तो ऊपर धार को गया है और एक नीचे को गया है। वो नीचे वाले रास्ते से आना, फिर नीचे वाले रास्ते से तुमको आगे चल के एक घर मिल जाएगा, फिर वहाँ पे पूछ लेना, वो बता ही देंगे। अच्छा, अब तुमको फोन नहीं करना हुआ ना, मतलब कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो एकदम से वहाँ पे बताएंगे ना सीधा। ओके हाँ, यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे भी दिखने लग गए हैं। पहुँच गए, ये है ठाकुर देवता, पहुँच गए। कैसा लगा फिर यहाँ पर आके? अच्छा, कुछ ठीक नहीं है, जितना आगे इससे 10 गुना जाना है। तो ये दूसरा मंदिर है, ठाकुर देवता से पहले इसके दर्शन करने पड़ते हैं। तो जाने से पहले ही रास्ते में एक मंदिर हमें और लग जाता है, तो वहाँ से 2 रास्ते और कटते हैं, तो उधर को जाना है अभी। तो जो कोई भी यहाँ पर यात्रा के लिए आएंगे तो उनको सबसे पहले ये मंदिर लगेगा, तो आप लोग ये मंदिर देख लीजिएगा, उसके जस्ट बगल में ही ये रास्ता गया हुआ है। तो यहाँ से हमें जाना है सीधे, अब यहाँ से नॉन स्टॉप हमें चलना है। और यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर ये पानी की सुविधा है पीने वाला, तो यहाँ पर आके आप लोग पानी भी पी सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने पानी भर लिया है बॉटल्स में, 2-3 बॉटल्स हम लोग घर से लेके आए हैं, तो एक बॉटल हमारी खाली थी तो उसमें हमने पानी भर लिया। और अब यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी 2 रास्ते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो हमें नीचे की तरफ आना है। तो
तो 2-3 बार रास्ता भटकने की वजह से 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तो हमारा वैसे वेस्ट हो गया, और बाकी 2-3 घंटे जो जाने में लगते हैं तो वो तो अभी बाकी है ही। तो यार दोस्तों अभी भी कंफर्म मेरे को तो हो नहीं रहा है कि यही सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं भाई। और रास्ते में पूछ लेंगे रास्ता, तो ऐसा भी कुछ सीन नहीं है यहाँ पर। आप लोग जो रास्ते पे चले हो तो चलते रहना आपको। रास्ता कहाँ से है? ठीक है। अंकल भैया सभी चीज़ बना दिया भैया। थकुड़ के लिए ये रास्ता है ना यार, थकुड़ के लिए ये रास्ता है ना, सीधा ही है ना ये। ठीक। तो देखो मंदिर से पहले ही मंदिर यहाँ से अभी ढक भी गया यार, उससे पहले ही ये घर लग जाता है। तो ये वहाँ पे भैया से पूछ लिया हम लोग ने, तो उन्होंने बताया सीधे रास्ता सीधे चलना है, कहीं नहीं रुकना है। अच्छा। अब उसको भी पूछेंगे। ठीक है पाची, ठाकुर किधर है? इधर है। अच्छा चलो ठीक है, वो उधर को इशारा कर रहा है। चलो कुछ भी। तो दोस्तों इस जंगल से निकलने के बाद अब हमें खुली खुली एरिया यहाँ पर दिख रही है। तो अब यहाँ से भी अभी कितनी दूर है कोई आइडिया नहीं है हमें, क्योंकि हम सब लोग पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखो इस तरफ कितनी खतरनाक खाई है यार, बाप रे। किसी को चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हो रही है। यहाँ कोई बताना, कभी भी बताना, कोई बताना कभी बताना। हाँ। तो तू क्यों जा रही है फिर? जिसमें हिम्मत हो इतना चढ़ने की वो जाए। क्या जिसमें इतनी हिम्मत हो ना इतने ऊपर आने की, वो क्या वो आए, वो आए। हाँ, बाकी ना आए। हाँ। तो दोस्तों जहाँ का बेसब्री से इंतज़ार था तो हम पहुँच गए फाइनली वहाँ पे। अब मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ कितना सुंदर। तो वो रहा ऊपर टॉप में मंदिर, तो वहाँ भी जाते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक पुराना यहाँ पर घर टाइप का बना हुआ है, और यहाँ से मैं अपने घर का एरिया पहचान ले रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो सबसे टॉप वाला पहाड़ है वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन लगी हुई है, तो उससे मैं पहचान जा रहा हूँ कि हमारा घर उस साइड है। उसी के जस्ट पीछे 2 किलोमीटर दूर हमारा घर है। तो जो सबसे दूर वाला पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर लगी हुई है एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं सीधे मंदिर में ऊपर। तो यही हमने जूते चप्पल खोल दिए, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर हमारे छोटे से नंदी महाराज बने हुए हैं, इनसे अभी वो विश मांगेंगे हम। और उसी के जस्ट बगल में शिवलिंग बना हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों ये रहा थगुड़ का यहाँ पे टेंपल, और इसी के जस्ट इसी के चारों तरफ आपको खाई दिखेगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है उसी के जस्ट ऊपर पे, ये देखो। इसमें शायद दूध चढ़ाते होंगे, लेकिन हमारे पास पानी है तो कोई बात नहीं, शिव जी को हम पानी भी चढ़ा सकते हैं।
तो दोस्तों यकीन मानिए यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है जो मैं देख पा रहा हूँ। मतलब इतना दिल खुश हो जाता है यहाँ पर और इतनी शांति यहाँ पर है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो आप लोग भी यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है, जो अब हम पैदल ट्रैक के लिए निकलते हैं तो थोड़ी सी उसमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 2 से 3 घंटे हम लोगों को आराम से लग जाते हैं ऊपर पहुँचने में इस थाकुड़ पॉइंट पर जाने पर। तो जिन लोगों को भी पैदल ट्रैक का एडवेंचर लेना है वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे स्पेंड करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो एक और प्लान है हमारा, वो अभी रास्ते में जाके देखते हैं। वो ये है कि हम लोग बैग में ही घर से रख के लाए थे, मैगी वगैरह रख के लाए हैं और सामान भी रख के लाए हुए हैं। तो चलो मैगी बनाने का कहाँ पर होता है देखते हैं रास्ते में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर शिव मंदिर में आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं बना सकते। तो अच्छा भी नहीं लगता यार मंदिर के पास ऐसे पिकनिक वगैरह बनाना, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने मंदिर के दर्शन करें और बहुत सुंदर सी जगह है यहाँ पर, आप लोग भी आइए तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर। तो मेरी एडवाइस रहेगी आप लोग एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा, तो बहुत सुंदर सी जगह है यहाँ पर, कसम से दिल खुश हो जाता है यहाँ पर। तो पूरे 2 घंटे हम लोग यहाँ पर बैठने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में कहीं पर बढ़िया सी जगह बैठ के मैगी बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे हम लोग मैगी। तो यहाँ पर हमारा चूल्हा तैयार हो गया है, ये मैडम जी आग जला रही हैं, आग जलाने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको। इसमें पत्थर वत्थर सब चीज़ डाल देते हैं। हाँ मेरी बात चम्मच से, चलो चम्मच से हो जाएगा, ये भूख से आग जला रही, कम से कम दिखना भी तो चाहिए, भूख है। चलो मतलब आग को फूकने में क्या हो रहा है, मुझे ऐसी आ रही है। ऐसी ऐसी कन्याएं यहाँ पर आई हुई हैं, ये कुछ सीखो। इससे पहले कभी ऐसे जंगल में बनाई तुम लोगों ने कभी मैगी वैगी कुछ? पहली बार बना रहे हो? मुझे बाहर देखना। तो 3 लोगों के लिए 3 मैगी लेके आए हैं, 3 मैगी बहुत है, ये चुड़ैल कम खाएगी। चिपकली मैं सच्ची में रहन दो, मैं इसे मत बोला। सुंदर सुंदर कन्याएं मैगी भी लेके आई हैं और ये क्या है, मोमो। तो मोमोज भी आए हुए हैं भाई, मेरे को भूख लगी थी, वैसे भी घर से कुछ खाया नहीं था तो अब ठीक हो गया। खाने का आइटम बहुत है हमारे पास, 2 चम्मच एक ही प्लेट में निकाल दो। तो इधर को हमारा मोमो और इधर मैगी। चलो ये मैगी तो तैयार हो गई है, अब इसको ये कन्याएं बांटेंगी, उसके बाद खाते हैं। जो बांटते हो बांटो रे। चलो कोई भदे में खाना देखो। नहीं मैं नहीं खा रही, नहीं प्लेट में ही डाल। चलो मैं खा लूंगा उसमें। नहीं प्लेट में ही डाल यार, तुम दो में डालो उसमें, मैं खा लूंगा। हाँ ठीक है उसमें खा लूंगा मैं। चलो तुम दो प्लेट में डालो। हाँ ठीक है, चावल भदे में टेस्ट हो। हाँ इसको क्या पता। चलो ये रही मेरी मैगी, तो मैं इसी में खाऊंगा कढ़ाई में और ये लोग खाएंगे प्लेटों में। तो एक प्लेट मेरे लिए भी थी लेकिन ये मैंने साइड में रख दी है क्योंकि इसमें खाने का अलग ही मज़ा है। तो ये देखो, तो दोस्तों मैगी बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आग भी बुझा दी है, अभी इसको अच्छी तरह बुझा देंगे क्योंकि जंगल में सेव नहीं है यार इसलिए। तो दोस्तों मैगी वगैरह खाने के बाद हमने आग पूरी तरह बुझा दी है, अब तो आप यहाँ पर सेव है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी बर्तन हमारे थे तो वो जूठे हमें ले जाने पड़ रहे हैं क्योंकि पानी कम पड़ गया था, तो ऐसे ही हम लोगों ने बैग में डाल दिया, अब घर जाके ये धोएगी। ठीक है, कौन आप?